नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने बूटस्ट्रैप नाउबार कंसेप्ट देखा दोस्तों, कैसे आप नाउबार कंसेप्ट आपके वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। उसके हमने डेफिनेशन देखी थी कल, उसके हमने अलग अलग क्लासेस देखे थे। बेसिक नाउबार कंसेप्ट हमने कल देखा था दोस्तों, कैसे अलग अलग क्लासेस आप आपके वेबसाइट में यूज़ करके उसका जो लुकआउट आएगा वो कैसे आप आपके वेबसाइट में दिखा सकते हो। फिर बाद में हमने वर्टिकल नाउबार कंसेप्ट देखा था दोस्तों, अगर आपको हॉरिजॉन्टल नाउबार अगर यूज़ नहीं करना है, अगर आप वर्टिकल नाउबार यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आप वर्टिकल नावबार भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे वर्टिकल नावबार के कुछ क्लासेस यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किए दोस्तों, वो क्लासेस हमने कल देखे थे। कैसे आप वर्टिकल नावबार आपके वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, उसका लुकआउट एक्चुअली कैसे आएगा और वो कैसे रिस्पॉन्सिव होगा आपके मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से, आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के हिसाब से, आपके जो लार्ज डिवाइसेस रहते हैं उसके स्क्रीन के हिसाब से वो कैसे एडजस्ट हो जाएगा वो हमने कल देखा था दोस्तों। तो आज हम वीडियो में दोस्तों सेंटर नावबार के कंसेप्ट देखने वाले दोस्तों। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। एट द डॉट जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर क्लास टू सेंटर नेविगेशन बार। अगर आपको आपके वेबसाइट में सेंटर नेविगेशन ये कंसेप्ट ये नावबार आपको अगर यूज़ करना है दोस्तों, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने डॉट जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर ये क्लास यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों। नेविगेशन बार का एक क्लास है दोस्तों, ये क्लास यूज़ करके आप आपके नावबार को सेंटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेंटर में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल सेंटर द नेविगेशन बार और मीडियम लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन्स। ऑन स्मॉल स्क्रीन्स इट विल डिस्प्ले वर्टिकली एंड लेफ्ट अलाइन। अगर आपको आपके वेबसाइट में, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, अगर आपको नाव बार कंसेप्ट नेविगेशन बार अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे आप नेविगेशन बार मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। आपको करना क्या नहीं रहता दोस्तों, यहाँ पे बस आपको मीडियम मतलब यहाँ पे MD क्लास यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। आपको अगर लार्ज स्क्रीन में दिखाना है नाव बार तो यहाँ पे आप LG क्लास यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में आपका नाव बार रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहाँ पे एक्सेल क्लास यहाँ पे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये क्लासेस यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किए दोस्तों, ये क्लासेस यूज़ करके आप आपका नावबार सेंटर में दिखा सकते हो, प्लस इसको आप रिस्पॉन्सिव भी अलग अलग स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से आप यहाँ पे दिखा सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया दोस्तों, अगर आप ये सेंटर नावबार आपके वेबसाइट में यूज़ करते हो तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोस्तों, वो इस टाइप में आएगा दोस्तों। आप अगर ये सेंटर नावबार आपके वेबसाइट में अप्लाई करते हो, अगर आप ये क्लासेस आपके वेबसाइट में यूज़ करते हो तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इसका जो लेआउट रहेगा दोस्तों, तो वो इस टाइप में दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों आपके लिए, आप जो भी लिंक यहाँ पे डालोगे दोस्तों तो वो सेंटर में अप्लाई हो जाएंगी, सेंटर में रिप्रेजेंट हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों। फिर बाद में अगर आपको ये सेंटर नाव बार ये क्लास अगर आपको आपके वेबसाइट में यूज़ करना है तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने इसका एक क्लास यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों। ये क्लास यूज़ करके आप आपके नाव बार को सेंटर में दिखा सकते हो दोस्तों। मतलब जो आपके मेन्यू रहेंगे, जो आप कंटेंट डालोगे दोस्तों नाव बार के अंदर, जो भी आप मेन्यू यहाँ पे डिफाइन करोगे तो आपके जो मेन्यू रहेंगे दोस्तों वो सेंटर में वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सिंपली नाव टैग में क्लास लेना पड़ता है, नावबार डैश एक्सपांड। फिर बाद में आपको अगर SM लेना है स्मॉल डिवाइसेस के हिसाब से, अगर आपको MD लेना है, अगर आपको LG लेना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपको सारा मतलब SM, MD, LG और XL ये सारे क्लास आपको डिफाइन करने हैं, अगर आप चाहते हो कि जो मेरे स्क्रीन रहेंगे, जो मेरे नावबार रहेंगे दोस्तों, वो अलग अलग स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्सिव हो जाए, मतलब स्मॉल डिवाइसेस में भी वो रिस्पॉन्सिव दिखे, वो लार्ज डिवाइसेस में भी वो रिस्पॉन्सिव दिखे, फिर बाद में एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस में भी वो रिस्पॉन्सिव दिखे। अगर आप वैसा चाहते हो तो यहाँ पे आप अलग अलग मतलब सारे क्लास SM, MD, LG और XL ये सारे क्लास आप नावबार में यूज़ कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने BG डैश लाइट एक क्लास लिया दोस्तों, ये क्लास इंडिकेट करता है दोस्तों बैकग्राउंड कलर। आपको अगर इसमें बैकग्राउंड कलर यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे BG डैश लाइट यहाँ पे मैंने यूज़ किया दोस्तों। आप अलग अलग नावबार में अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने जो मेन क्लास है दोस्तों सेंटर नावबार का, यहाँ पे जस्टिफाइड डैश सेंटर डैश कंटेंट डैश सेंटर ये क्लास यहाँ पे लिया है दोस्तों। अगर आपको आपके कंटेंट जो रहेंगे आपका नावबार में, जो भी आप कंटेंट डालोगे, जो भी मेन्यू आप वहाँ पे डिफाइन करोगे, अगर वो आपको सेंटर में दिखाने तो यहाँ पे सिंपली आपको जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर ये क्लास लेना पड़ता है दोस्तों। ये क्लास लेने के बाद में आपके जो कंटेंट रहेंगे नावबार के वो सेंटर में रिप्रेजेंट हो जाएंगे, सेंटर में अप्लाई हो जाएंगे दोस्तों। इस टाइप में इसका लुकआउट आएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों। फिर बाद में आता है दोस्तों नावबार कलर नावबार। अगर आपको आपके वेबसाइट में नावबार को कलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने अलग अलग इसके क्लासेस प्रोवाइड किए दोस्तों। ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में नावबार को यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आपको सिंपली दोस्तों ये क्लासेस यूज करने पड़ेंगे। जब आप ये क्लासेस आपके नावबार में यूज करोगे, जब आप ये क्लासेस आपके बूटस्ट्रैप
व्हाट्सएप के प्रोग्राम में यूज करेंगे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इसका जो लुकआउट रहेगा दोस्तों, वो इस टाइप में आएंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों आपके लिए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों हम। यूज एनी ऑफ द डॉट बीजी डैश कलर क्लासेस टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द नाव बार। यहाँ पे दिया है दोस्तों, अगर आपको आपके वेबसाइट में बैकग्राउंड कलर क्लासेस यूज करके बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है नाव बार का, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने कुछ बैकग्राउंड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए दोस्तों। ये क्लासेस यूज करके आप आपके नाव बार का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सिंपली आपको डॉट बीजी डैश प्राइमरी, फिर बाद में आता है दोस्तों डॉट बीजी डैश सक्सेस, फिर बाद में आता है दोस्तों डॉट बीजी डैश इन्फो, फिर बाद में आता है दोस्तों डॉट बीजी डैश वार्निंग, फिर बाद में डेंजर सेकेंडरी। ये क्लासेस यूज करके अलग अलग यहाँ पे क्लासेस यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किए दोस्तों। ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट का नाव बार का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं, एड अ व्हाइट टेक्स्ट कलर टू ऑल द लिंक्स इन द नाव बार विथ द डॉट नाव बार डैश डार्क क्लास और यूज द डॉट नाव बार डैश लाइट क्लास टू एड ब्लैंक ब्लैक टेक्स्ट कलर। अगर आपको आपके वेबसाइट में कलर, मतलब जो टेक्स्ट आप डालोगे नाव बार में, उसका भी आपको अगर कलर चेंज करना है, तो ये क्लासेस यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किए दोस्तों। नाव बार डैश डार्क क्लास, फिर बाद में आता है दोस्तों नाव बार डैश लाइट क्लास। ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट का जो टेक्स्ट कलर रहेंगे ना दोस्तों, वो भी आप चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है दोस्तों आपके लिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पे अप्लाई किया दोस्तों। अगर आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे कलर यूज करते हो, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो इस टाइप में आएंगे दोस्तों। आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस भी दिए दोस्तों, ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट का नाव बार का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सिंपली आपको नाव टैग में क्लास लेना पड़ता है दोस्तों, नाव बार डैश एक्सपांड, फिर बाद में यहाँ पे SM स्मॉल डिवाइसेस यहाँ पे मैंने क्लास लिया है, फिर बाद में यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसको लाइट दिया है दोस्तों। ये जो फर्स्ट क्लास है दोस्तों, यहाँ पे मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ये बैकग्राउंड कलर लाइट है, तो वो जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो लाइट के हिसाब से वहाँ पे आपका नाव बार जो रहेगा वो रिप्रेजेंट हो जाएगा दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने जो सेकंड क्लास लिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऑफ आइटम भी डाले दोस्तों UL टैग के अंदर। आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करने हैं, नंबर ऑफ आइटम अगर आपको आपकी वेबसाइट में डिफाइन करने हैं, तो आप नाव बार यूज करके उसमें अलग अलग क्लासेस अलग अलग टैग यूज करके आप आपके वेबसाइट में आपके नाव बार में अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट भी इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने सिंपल एक्टिव लिंक और लिंक वन, ये जो एलिमेंट ये दोस्तों यहाँ पे लिया दोस्तों, ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं दोस्तों आपको, एक्टिव लिंक, लिंक और डिसेबल, ये जो एलिमेंट रहेंगे दोस्तों वो आपके नाव बार में रिप्रेजेंट हो जाएंगे, आपके नाव बार में शो हो जाएंगे दोस्तों। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नंबर ऑफ एलिमेंट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो दोस्तों, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नंबर ऑफ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ यहाँ पे मेन्यू अपीयर कर सकते हो दोस्तों, यूज कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने दोस्तों ब्लैक विथ व्हाइट टेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस उसके दिए दोस्तों। अगर आपको आपके वेबसाइट में ब्लैक प्लस व्हाइट टेक्स्ट अगर आपको दिखाना है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने उसके कुछ क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए दोस्तों। आपको सिंपली दोस्तों नाव क्लास में नाव बार डैश एक्सपांड, फिर बाद में SM, फिर बाद में बैकग्राउंड कलर डार्क यहाँ पे दिया दोस्तों, यहाँ पे लिया दोस्तों यहाँ पे मैंने, फिर बाद में बैकग्राउंड नाव बार डैश डार्क, ये क्लास आपको लेना पड़ता है दोस्तों। अगर आपको आपका जो बैकग्राउंड का नाव बार रहेगा, अगर आपको वो डार्क में दिखाना है, उसका जो बैकग्राउंड नाव बार का कलर रहेगा वो आपको डार्क ब्लैक में दिखाना है, और उसका जो टेक्स्ट रहेगा अगर वो आपको व्हाइट में दिखाना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली नाव टैग के अंदर नाव बार डैश एक्सपांड, फिर बाद में बीजी डैश डार्क, ये क्लास लेना पड़ता है दोस्तों। ये क्लास लेने के बाद में आपको जो नाव बार का कलर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिया दोस्तों सेकंड एग्जांपल में, आपको जो नाव बार का कलर रहेगा दोस्तों वो ब्लैक में हो जाएगा, प्लस इसमें जो टेक्स्ट आप डालोगे वो टेक्स्ट वहाँ पे व्हाइट में अपीयर हो जाएंगे, व्हाइट में वहाँ पे शो हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम दोस्तों इसका, फिर बाद में दोस्तों आता है ब्लू विथ व्हाइट टेक्स्ट। अगर आपको ब्लू विथ व्हाइट टेक्स्ट अगर ये क्लास आपके वेबसाइट में यूज करना है, तो आपको सिंपली दोस्तों नाव टैग के अंदर नाव बार डैश एक्सपांड, फिर बाद में बैकग्राउंड कलर प्राइमरी, और फिर बाद में बैकग्राउंड नाव बार डैश डार्क, ये क्लास लेना पड़ता है दोस्तों। ये क्लास लेने के बाद में आपका जो नाव बार का बैकग्राउंड कलर रहेगा दोस्तों, वो वहाँ पे ब्लू में अपीयर हो जाएंगे दोस्तों, ब्लू में उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ब्लू में आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो आपके टेक्स्ट रहेंगे, जो आपका टेक्स्ट कलर रहेगा दोस्तों, वो व्हाइट में वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, व्हाइट में वहाँ पे शो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिया दोस्तों थर्ड एग्जांपल में, अगर आप ये तीनों भी क्लास आपके वेबसाइट में यूज़ करते हो, तो इसका जो लुकआउट रहेगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोस्तों, वो इस टाइप में आएगा दोस्तों। अगर आप सिंपल बैकग्राउंड कलर, मतलब इसको लाइट अप्लाई करते हो, तो इसमें लाइट जो कलर रहेगा बैकग्राउंड का, वो वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अगर आप डार्क कलर अप्लाई करते हो आपके नाव बार में बैकग्राउंड कलर, तो इसका जो डार्क कलर रहेगा बैकग्राउंड का, वो ब्लैक में आ जाएगा, और इसका जो टेक्स्ट रहेगा दोस्तों, वो व्हाइट में
रिप्रेजेंट हो जाएगा, व्हाइट में शो हो जाएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू अप्लाई करते हो तो आपका जो नाव बार का कलर रहेगा दोस्तों वो ब्लू में रिप्रेजेंट हो जाएगा, और इस पर जो टेक्स्ट रहेंगे दोस्तों वो व्हाइट में अपेयर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों आपके सामने एग्जांपल में, मैंने तीन भी एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दिए दोस्तों। अगर आपको इसमें से कौन सा भी एग्जांपल आपके वेबसाइट में यूज़ करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे मैंने क्लासेस प्रोवाइड किए दोस्तों, ये क्लासेस यूज़ करके आप आपके वेबसाइट में अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में नाव बार यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देखा दोस्तों नाव बार कंसेप्ट, नाव बार अलग अलग कलर नाव बार दोस्तों। तो कलर नाव बार में आप कैसे अलग अलग कलर आपके नाव बार में यूज़ कर सकते हो दोस्तों, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पे बोर्ड से आपने प्रोवाइड किया दोस्तों, वो अलग अलग कलर आप आपके वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में हमने देखा दोस्तों सेंटर नाव बार, अगर आपको आपके नाव बार के जो कंटेंट रहेंगे, नाव बार के जो मेनू रहेंगे, अगर वो आपको सेंटर में दिखाने, सेंटर में आपको अपेयर करने, तो आपको सिंपली सेंटर नाव बार एक क्लास लेना पड़ता है दोस्तों। ये सेंटर नाव बार यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है दोस्तों, आपको सिंपली डॉट जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर ये क्लास आपकी वेबसाइट में लेना पड़ता है दोस्तों। ये क्लास लेने के बाद में आपके जो कंटेंट रहेंगे दोस्तों नाव बार में, जो कंटेंट डालोगे, जो मेन्यू आप अपेयर करोगे, जो मेन्यू आप वहाँ पे यूज़ करोगे, वो आपके सारे मेन्यू सेंटर में रिप्रेजेंट हो जाएंगे, सेंटर में शो हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।